तो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, उस दौरान जेडीयू के बहुत ऐसे विधायक थे जो जीते चुनाव आरजेडी के कारण, और बहुत ऐसे आरजेडी के विधायक थे जो चुनाव जीते जेडीयू के कारण। अब इस चुनाव में दोनों अलग हो चुके हैं, तो विधायक पाला बदलने लगे हैं। अभी मेरे साथ प्रेमा चौधरी जी हैं जो आरजेडी की विधायिका हैं और अब जेडीयू में शामिल हो चुकी हैं। आपको लगता है कि जो पिछला चुनाव आप जीती उस समय लालू जी नीतीश जी साथ थे, इस बार दोनों अलग अलग हैं, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार की वजह से आप चुनाव जीती थी? चुनाव हम लोग गठबंधन से जीते थे, और ये सत्य है, ध्रुव सत्य है कि नीतीश जी का चेहरा दिखा करके हम लोग वोट मांगते थे क्षेत्र में। इसमें कहीं कोई बनावटी बात नहीं है, और कहीं कोई ये नहीं कि उस दल में है तो मैं उस दल की बात करूं और इस दल में हूं तो इस दल की बात। हम लोग जो परेशानी झेले, और हम लोग कार्ड रखते थे जिसमें सोनिया जी का, नीतीश जी का और लालू जी का फोटो रहा करता था। महिलाएं तो एकदम नाम ही नहीं लेती थी कि वोट हम करेंगे, हम देखिए इसमें नीतीश जी हैं, हम महिला हैं, हम हर घर में घुस, मैंने हम लोग घर घर में घुसते। आपको लगता है कि महिलाएं नीतीश जी के नाम पर वोट देती हैं? बिल्कुल, नीतीश जी को ही महिलाएं वोट देती हैं, किसी भी समुदाय के, ये नहीं कि दलित चाहे वो माइनॉरिटी हो या चाहे वो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, किसी भी जाति के महिलाएं नीतीश जी को पसंद करती हैं। महिलाएं क्यों नीतीश जी? उनके बारे में एकमात्र नीतीश जी है जो पूरे बिहार में उनके लिए काम करते हैं, वो जाति दे करके नहीं, वो गरीबों के लिए काम करते हैं। जो महिला जब लड़की पे बच्ची पैदा लेती है, भ्रूण हत्या पर भी रोक लगा, जहाँ लड़कियों की हत्या होती है, पेट से लेकर के पैदा लेने से लेकर के उसकी शिक्षा तक और शादी ब्याह तक नीतीश जी सोचते, ऐसा कोई सरकार न सोची है न सोचेगी, सोचेंगे तो मात्र एक नीतीश जी। आरजेडी को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण, एक कारण बड़ा, सबसे बड़ा कारण तो हम बता चुके, मैं दलित हूँ, दलित समाज से आती हूँ, और मुझे महसूस हुआ कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है, जो मैं उस दिन से सोच रही हूँ, और हमारे क्षेत्र की जनता भी है हमें कहा, हमारी जनता सुन रही होगी हमारी बात कि क्यों इसमें है, सबकी आशा रहती है, एक आकांक्षा, राजनीतिक आकांक्षा होती है, क्षेत्र के विधायक जीतता है तो क्षेत्र का कार्यकर्ता जीतता है, मंत्री बनता है तो क्षेत्र का जनता बनता है, उसका विधायक MP बनता है तो क्षेत्र का जनता बनता है, सबसे ज़्यादा खुशी उसी होती है। और जो हमारे समर्थक थे, और हमारे समर्थक मुझे गर्व है, सभी समुदाय के लोग हैं। एक लालू जी तो अभी जेल में है, तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान है, कैसे देखती है, क्या अंतर है लालू और तेजस्वी? देखिए अब तेजस्वी के हाथ में है कि तेज प्रताप के हाथ में है कि मीसा भारती के हाथ में है, नेता कौन है यह मैं नहीं बता सकती। तेजस्वी इसलिए कि कहीं ना कहीं हम तो बार बार करके हम लोग उपेक्षित महसूस होकर करके, जब आपको पूछा नहीं जाएगा, आप ही भाई मैंने मीडिया के बंधु हैं, हम ही आपको तिरस्कार करके सीधे पीछे करके चल जाते तो आप क्या करते हैं, इनको मीडिया से कोई मतलब ही नहीं। तिरस्कार की वजह से आपने छोड़? बिल्कुल बिल्कुल, श्याम रंग चले गए आरजेडी में, चुनाव जीती और उसके एक हफ्ते बाद तब से हम लोग मन बना लिया, हमारा कार्यकर्ता या हम, हमारे प्रखंड अध्यक्ष राजद के जो 15 साल से प्रखंड अध्यक्ष थे, आज ज्वाइन किए, ये 15 साल से महासचिव थे राजद के, हमारे ऐसे ऐसे वो मुमताज जी हैं, ये मकबूल जी हैं, है ना, हमारे यादव मिथिलेश जी हैं, मैंने ऐसा सब ये लोग यादव हैं, ये लोग सब कोई ज्वाइन किए हमारे साथ, देखिए ये लोग माइनॉरिटी के हैं, मैंने नहीं लोग आए, लोग कहे थे कि आप दलित हैं, कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना के चलते हम लोग आज सीमित नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दलित हैं, दलित को सम्मान नहीं मिला आरजेडी में, और श्याम रजक महिला दलित ठीक है, श्याम रजक भी दलित नेता हैं, कह रहे हैं कि जेडीयू में सम्मान नहीं मिला आरजेडी। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं, तो वहां से निकले के अब फिर वहीं गए हैं, क्यों आए और क्यों गए वो तो वही उसका जवाब वही। आपकी लड़ाई भीष्म पटेल से होगी? मेरी भीष्म पटेल से हमारी लड़ाई क्यों होगी, हमारा सुरक्षित सीट है, किससे लड़ाई तो रिजर्व सीट, हाँ पातेपुर है, और लड़ाई तो हम लड़ते आ रहे हैं, 91 से लड़ रहे हैं लड़ाई, हम समता पार्टी से लड़े थे चुनाव 2000 में, कभी हम बैठे ही नहीं है, और जब तक दमखम है तब तक मैं लड़ूंगी। चलिए तो जब तक दमखम है तब तक मैं लड़ूंगी ये कहना है, अब जेडीयू नेत्री कही है, पहले तो आरजेडी में थी, अब जेडीयू में शामिल हो चुकी हैं प्रेमा चौधरी।